तो दोस्तों आपको तो पता हो कि Realme का हमेशा कुछ ना कुछ फोन लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन पिछले महीने थोड़ा यानी कि पिछले साल के आखिरी महीने में थोड़ा वो शांत पड़ गए थे इंडिया के अंदर। ग्लोबली लॉन्च हो रहा था लेकिन इंडिया के अंदर वो शांत हो गए थे, कुछ फोन नहीं लॉन्च हो रहा था। लेकिन आज कुछ खबर निकल के आ गया है कि Realme का एक नया फोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है और ये एक सीरीज का फोन है। जी हाँ, ये अब लॉन्च होगा तो इसके साथ साथ उसके बाकी जितने फोन होंगे धीरे धीरे हर महीने एक ना एक या दो फोन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टेक की बात है कि इस वीडियो में उसी फोन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राइस क्या है, इन सब के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि Realme का एक नया फोन लॉन्च होने वाला, तो उसका नाम है Realme 9i। ये इंडिया में बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, कंफर्म डेट हो चुका है। डेट के बारे में आखिर हम बात करेंगे, पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो डिजाइन आपको देखने को कैसे मिलेगा, तो रिसेंटली जो आजकल उसका ट्रेंड चल रहा है Realme GT सीरीज के अंदर, GT Neo हो गया या फिर GT हो गया, GT 2 भी अभी लॉन्च हो गया है चाइना में, वो भी अगले महीने तक आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो उस तरह डिजाइन आप इस बार आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा डिजाइन में चेंजेस हो गया, नहीं तो पिछले साल Realme का सब वही सेम डिजाइन था, लेकिन इस बार थोड़ा डिजाइन में आपको चेंजेस दिखे, यानी कि बजट से बने, क्योंकि ये Realme 9i जो आने वाला है ये ज़्यादातर 20,000 के अंदर वाला फ़ोन होगा आपको। तो इसमें आपको उसी तरह का जो Realme का GT एडिशन है उस तरह का डिजाइन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो 6.6 इंच का यहाँ पे आपको फुल HD वाला 1080p वाला LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, LCD डिस्प्ले मिलेगा यहाँ पे आपको, AMOLED नहीं मिलेगा। 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा और ब्राइटनेस लेवल की बात करें नीट्स की, यानी कि तो 480 नीट्स तक आपको यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो क्वालकॉम का 680 वाला प्रोसेसर मिलेगा यहाँ पे आपको और 610 यहाँ पे आपको GPU देखने को मिलेगा एड्रेनो की तरफ से। और जो 680 प्रोसेसर, ये पहला प्रोसेसर है इंडिया के अंदर इस फोन के साथ, यानी कि पहला प्रोसेसर नहीं है, ये फोन पहला फोन है इस प्रोसेसर के साथ इंडिया के अंदर। जी हाँ, थोड़ा उल्टा हो गया था, तो ये वाला पहला फोन है इस प्रोसेसर के साथ और धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपको इसी महीने के अंदर या फिर नेक्स्ट महीने के अंदर इस 680 प्रोसेसर जो क्वालकॉम की तरफ से आया है इसके साथ साथ बहुत सारे फोन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं रैम रोम वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दो वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, 4GB 64GB एंड 6GB 128GB, तो दो वेरिएंट में ये आपको देखने को मिल जाएगा। और स्टोरेज क्वालिटी की बात करें UFS 2.1 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन ऐसा दिखाई देगा फोटो भी आप देख सकते हैं जो कि आपको दो कैमरा ही देखने को मिला, ऐसा नहीं है, दो बड़े बड़े डिजाइन का कैमरा दिया गया और छोटा सा एक साइड में कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जो मेन कैमरा है 50MP का है और उसके बाद छुटपुट वाले आपको कैमरे देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट सेल्फी की बात करें 16MP का देखने को मिल जाएगा। और क्या कुछ मिलेगा, तो 4G मिलेगा, वोल्टी मिलेगा, Realme का लेटेस्ट UI आपको देखने को मिल जाएगा, साइड माउंटेन वाला यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे 5G नहीं मिलेगा। 680 प्रोसेसर, ऐसा समझना मत कि ये 5G वाला प्रोसेसर, 4G है तो 4G वोल्टी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 5000mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगा, टाइप सी पोर्ट मिलेगा और बॉक्स के अंदर आपको 33W का चार्जर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पिछले साल में आपको पता होगा Realme का नार्जो 30 जो था उसमें भी आपको 33W का चार्जर मिल रहा था, बहुत ही अच्छा, इस प्राइस में अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाता है, क्योंकि जो 33W का चार्जर है, अगर आप टेस्टिंग नहीं देखे तो हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं कि एक घंटे के अंदर आराम से 5000mAh का चार्ज हो जाता है बहुत ही जल्दी से। तो ये एक अच्छी बात है कि इस सेगमेंट में आपको इस तरह का 33W वाला फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। अब आखिर कलर, प्राइस और कब मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, इन सब के बारे में बात करें तो Realme 9i का दो कलर आपको देखने को मिल सकता है, ब्लैक एंड ब्लू या डेजलिंग कलर में ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल ब्लैक और ब्लू होगा, थोड़ा ग्लॉसी डिजाइन में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब इसका प्राइस की बात करते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बेस वेरिएंट साइज से 30,000 के आसपास होगा और जो टॉप वेरिएंट होगा 6G वाला वो आपको 15,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ऐसा बता दूँ कि जो प्राइस होगा 12-13 से लेके 15-16 हज़ार के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, दोनों वेरिएंट के बता के एक साथ बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आखिर हम बात करते हैं कब ये मिलने वाला है, तो 18 जनवरी को ये लॉन्च होने वाला है, इसका डेट कन्फर्म हो चुका है और ऑब्वियसली बात कहाँ पे मिलेगा, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों Realme 9i की कहानी, आई होप आपको पसंद आया होगा। और 9i आ चुका है तो आने वाले टाइम में फरवरी मार्च के अंदर आपको 9, 9s भी हो सकता है, 9 प्रो, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और इस वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम सुमन, आप देखिए टेक यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।